हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 28 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। अब हम थोड़ा सा इस दिवस के बारे में जान लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 से लेकर 1945 के बीच जो जर्मनी के नाजी थे, जिनका लीडर था हिटलर, हिटलर ने यूरोप के लगभग 60 लाख यहूदियों को एक योजनाबद्ध तरीके से उनकी हत्या कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया, जिसके लिए इन यहूदियों को याद करने के लिए हर साल 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में पूरी दुनिया का एकमात्र यहूदी देश ज्यूइश कंट्री है इजराइल। यहूदी समुदाय के व्यक्ति जहाँ पर पूजा पाठ करते हैं उनके धार्मिक स्थल को कहते हैं सिनेगॉग, जिस प्रकार से हिंदुओं का धार्मिक स्थल है मंदिर, मुसलमानों का धार्मिक स्थल है मस्जिद, सिखों का धार्मिक स्थल है गुरुद्वारा, ईसाइयों का धार्मिक स्थल है चर्च, उसी प्रकार से यहूदियों का धार्मिक स्थल है सिनेगॉग। इजराइल जो कि दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है ज्यूइश कंट्री है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलेम। इजराइल की मुद्रा है न्यू सकेल। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल देश की भाषा है हिब्रू और इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे अच्छी जो खुफिया एजेंसी है ये है इजराइल की, जिसका नाम है मोसाद। मोसाद को अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उससे भी अच्छा माना जाता है। अब आपको कुछ प्रमुख देशों की खुफिया एजेंसियों के नाम याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंसी। यूनाइटेड किंगडम की खुफिया एजेंसी है MI6। चीन की खुफिया एजेंसी है MSS, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महावीर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो हाल ही में महावीर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा सुपर 30 IIT JEE कोचिंग के संस्थापक आनंद कुमार को। जो महावीर अवार्ड है ये भगवान महावीर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सुपर 30 IIT JEE कोचिंग के फाउंडर आनंद कुमार, जिनकी कोचिंग है पटना बिहार में। इन्हीं को इस साल जो भगवान महावीर अवार्ड है दिया जाएगा। अब आपको कुछ पुरस्कार के नाम याद रखने हैं जो कि रिसेंटली दिए गए। जैसे हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया श्याम श्रीनिवास को। कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ट अवार्ड, जिसे हम कनाडा साहित्य गौरव के नाम से जानते हैं, ये दिया गया है भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। 91 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर विश्वजीत चटर्जी को। DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर हेमंत कुमार को। भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडबेले को फ्रांस देश के द्वारा प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। मणिपुर के डॉक्टर थंग जाम धाबली सिंह को जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के प्राइमरी टीचर रंजीत सिंह डिसले ने ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है, जिसमें 7 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। इसके अलावा हाल ही में जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं ये 7 लोगों को दिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये 7 व्यक्ति कौन कौन से हैं? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, तमिलनाडु राज्य के जो म्यूजिशियन है SP बाला सुब्रमण्यम, कर्नाटक राज्य के डॉक्टर हेगड़े, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नरेंद्र सिंह कपनी, जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाता है, मौलाना वजाहुद्दीन खान, बीबी लाल सुदर्शन साहू, इन 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक के नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में भारत की जो GDP है 11.5% से ग्रो करेगी, जो कि दुनिया में एकमात्र देश है भारत जिसकी GDP 11.5% की दर से ग्रो करेगी। दुनिया का एकमात्र भारत देश होगा जिसकी GDP दहाई यानी कि 2 digit को पार करेगी, बाकी सभी देशों की जो GDP है 10 से नीचे रहेगी। तो इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें बताया गया है कि 2021 में जो भारत की GDP है 11.5% की दर से ग्रो करेगी। IMF जिसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF का मुख्यालय है अमेरिका के Washington DC में। IMF की वर्तमान में MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। IMF की स्थापना हुई थी 1944 में। वर्तमान में IMF में टोटल सदस्य देश हैं 190 और जो लेटेस्ट यानी कि 190 नंबर का सदस्य ये है एंडोरा। और ये क्वेश्चन RRB NTPC के एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है कि IMF का लेटेस्ट मेंबर कौन है, तो उत्तर था एंडोरा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि IMF में टोटल सदस्य देश कितने हैं, जिसका आंसर था 190। ये दोनों क्वेश्चन RRB NTPC के Phase 1 में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा एक संस्था का नाम और आपको याद रखना है, विश्व बैंक। विश्व बैंक का भी मुख्यालय है अमेरिका के Washington DC में। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, जो कि अमेरिका देश से हैं। और विश्व बैंक की पहली महिला MD और मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनी है अंशुला कांत, जो कि उत्तराखंड के रुड़की से हैं यानी कि भारत से हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। विश्व बैंक की पहली महिला MD और CFO यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है भारत की अंशुला कांत, और विश्व बैंक की भी स्थापना 1944 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पहला ऐसा यूरोपीय देश जहां COVID-19 से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। तो ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप का पहला देश बन गया है जहां पर COVID-19 बीमारी से मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। आप ये चार्ट देख सकते हैं, जिस समय मैं वीडियो बना रहा था उस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या थी 10 करोड़ प्लस। इसमें सबसे ज़्यादा संक्रमित व्यक्ति थे अमेरिका से 2 करोड़ 60 लाख प्लस। भारत में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या थी 1 करोड़ से ज़्यादा, और भारत में अब तक की 1,53,862 लोगों की मौत हो गई थी। और इसमें यूरोप महाद्वीप का पहला देश है यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी है लंदन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, और UK के प्रधानमंत्री जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान को कहते हैं 10 Downing Street, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं 10 Racecourse Street पे। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। जो यूनाइटेड किंगडम UK है, ये 4 देशों को मिलकर बनाया गया है। ये 4 देश कौन कौन से हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, इन 4 देशों को मिलाकर कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, वेल्स की राजधानी है कार्डिफ, उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, जो उत्तरी आयरलैंड है ये UK का पार्ट है, जबकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक स्वतंत्र अलग देश है जिसकी राजधानी है डबलिन। ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड वही देश है जहाँ से हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, जो कि Part 4 तथा Article 36 से 51 के बीच लिखे गए हैं। अब आपको UK से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं, कौन कौन से? पहला क्वेश्चन,
COP26 जलवायु सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो शहर में, जिसके लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है आलोक शर्मा को। 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इनका आयोजन किया जाएगा यूके के बर्मिंगम शहर में। इसमें से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो राष्ट्रमंडल के सारे इवेंट हैं इनका आयोजन किया जाएगा बर्मिंगम में, जबकि दो ऐसे इवेंट हैं कौन कौन से, शूटिंग और आर्चरी, शूटिंग और तीरंदाजी का आयोजन किया जाएगा भारत के चंडीगढ़ शहर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धन लक्ष्मी बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में धन लक्ष्मी बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है JK सिवन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है D, धन लक्ष्मी बैंक, जो कि एक प्राइवेट बैंक है। धन लक्ष्मी बैंक का मुख्यालय केरला के थ्रिसूर शहर में। आपको केरला से तीन बैंकों के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, पहला है धन लक्ष्मी बैंक जिसका मुख्यालय केरला के थ्रिसूर में, दूसरा है कैथोलिक सीरियन बैंक CBS बैंक, इसका भी मुख्यालय केरल के थ्रिसूर में, और तीसरी बैंक है फेडरल बैंक जिसका मुख्यालय है अलोवा में। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इन तीनों के नाम याद रखने हैं, वैसे आपके लिए जरूरी नहीं है। इसके अलावा बैंकिंग से एक न्यूज और आपको याद रखना है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत की तीन बैंकें कौन कौन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और ICICI बैंक को DSIB लिस्ट में डाला है। DSIB लिस्ट का मतलब है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, इसका मतलब ये हुआ टू बिग टू फेल, इसका मतलब हिंदी में ये है कि जो SBI, HDFC और ICICI बैंकें हैं ये इतनी बड़ी बैंकें हो गई हैं कि ये कभी भी फेल नहीं हो सकती हैं। अगर मान लीजिए ये बैंकें फेल हो जाती हैं तो भारत का जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है क्रैश कर जाएगा, इसीलिए RBI के द्वारा इनको DSIB लिस्ट में डाला गया है। मान लीजिए कभी क्रैश हो जाती हैं तो इनको तुरंत भारत सरकार के द्वारा मदद दी जाएगी, क्योंकि अगर ये फेल हो गई तो भारत का जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है क्रैश कर जाएगा। इसके अलावा आपको चार प्रमुख प्राइवेट बैंकों के उनके CEO के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन, ICICI बैंक के CEO हैं संदीप बख्शी, एक्सिस बैंक के CEO हैं अमिताभ चौधरी, एस बैंक के CEO हैं प्रशांत कुमार, और इन चारों बैंकों का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, और ये चारों प्राइवेट बैंक हैं। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है HDFC। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत कौन सा वीरता पदक दिया गया है? तो हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम जान लेते हैं कि संतोष बाबू कौन थे। कर्नल संतोष बाबू, जिनकी गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प के दौरान मौत हो गई थी, जो कि बिहार रेजिमेंट से थे, इन्हीं को हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। महावीर चक्र क्या है? तो सैनिकों को युद्ध के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीर चक्र है परमवीर चक्र, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है महावीर चक्र, और तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है वीर चक्र, जबकि शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है अशोक चक्र, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है कीर्ति चक्र, और तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है शौर्य चक्र। अगला क्वेश्चन है, मार्सेलो रेबोला डी सोसा किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में मार्सेलो रेबोला डी सोसा पुर्तगाल देश के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबोला डी सोसा, जो कि पुर्तगाल देश के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं। पुर्तगाल देश जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, पुर्तगाल देश की राजधानी है लिस्बन, पुर्तगाल देश की मुद्रा है यूरो। अब आपको पुर्तगाल देश से दो व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, एंटोनियो गुटेरेस जो कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल हैं, ये पुर्तगाल देश से हैं। दूसरे व्यक्ति हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये भी पुर्तगाल देश से हैं। और तीसरा व्यक्ति है वास्को डिगामा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत आने वाले
प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन थे पुर्तगाल, जो कि था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 17 मई 1498 को केरल के कोची तट पर, जो कि आज का कोझिकोड है, वहां पर आया था। उस समय वहां का राजा था जमोरिन। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में आने वाले यूरोपियन में पहला यूरोपी कौन था? तो पहले यूरोपी थे पुर्तगाल, और उनमें से पहला व्यक्ति था वास्को डिगामा, जो कि 1498 में केरल के कोची तट पर आया था, जहाँ का राजा था उस समय जमोरिन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को सबसे लास्ट में छोड़ने वाले यूरोपियन कौन थे? तो भारत में सबसे लास्ट में छोड़ने वाले यूरोपियन थे पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली जो थे इनका गोवा पे राज था। गोवा पुर्तगालियों का एक उपनिवेश था, पुर्तगालियों का गोवा एक कॉलोनी था। गोवा पुर्तगालियों के चंगुल से 1961 में छुड़ाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन लगाने के लिए अनिवार्य निर्देश दिए हैं? तो ये ऐसा निर्देश जारी किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार ने जितने भी वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनमें जीपीएस और पैनिक बटन लगाने के लिए एक अनिवार्य संदेश भेजा है। जीपीएस, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान में राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, यहाँ की राजधानी है रायपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष में कितने डॉलर राशि के योगदान देने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के जो शांति निर्माण कोष है उसमें 150,000 अमेरिकी डॉलर देने का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। संयुक्त राष्ट्र की 6 कार्यकारी भाषाएं हैं, कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत टोटल 193 सदस्य देश हैं, और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र का लेटेस्ट मेंबर यानी कि आखिरी सदस्य देश है साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अम्बेसडर हैं, स्थायी प्रतिनिधि हैं TS त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कमान के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में 1 फरवरी से ये अपना पद संभालेंगे, इनका नाम है CP मोहंती। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं भारत के नए वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती। जनरल CP मोहंती भारत के नए वाइस चीफ बने हैं। वर्तमान में हमारी जो सेना है उसके अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह, वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS हैं जनरल बिपिन रावत। भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपको डिफेंस से याद रखने हैं। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मैंने जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो इसका सही आंसर दिया था मोहम्मद यूसुफ ने। मोहम्मद यूसुफ ने इसका सही आंसर डिटेल में दिया था, तो इसके लिए थैंक यू। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने निःशुल्क कोचिंग सुविधा अभ्युदय प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे डिटेल में कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।